हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ से रिलेटेड न्यूज के बारे में। इससे पहले हम तीन पॉइंट पर बात करेंगे। पहला, बीए में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी। दूसरा, अब 4 जनवरी को होगा काउंसलिंग। तीसरा, विभिन्न पाठ्यक्रमों में 55 छात्रों ने लिया एडमिशन। तो इन तीन पॉइंट पर बात करेंगे। इससे पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सभी प्रकार की न्यूज़ इस चैनल पर मिलता रहता है। तो इससे पहले हम बीए के प्रवेश के कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। प्रवेश प्रकोष्ठ निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल और सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र राय की तरफ से सूचना के मुताबिक 4 जनवरी को बीए में प्रवेश दिया जाएगा। सभी श्रेणी से 161 और ओबीसी से 133, एससी से 100 और ईडब्ल्यूएस से 115 और एसटी ऑल कैंडिडेट को सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बीए प्रवेश को ऑर्डिनेटर प्रो ऋषिकांत पांडे ने बताया कि कट ऑफ में शामिल अभ्यर्थी 4 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक विकल्प चयन और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। फिर 5 जनवरी को सुबह 8 से 9 बजे तक सीट आवंटन और 9 से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन मोड में फीस जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। इसके अलावा बीएफए में 4 जनवरी को प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस से 62 और एससी से और एसटी के सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया अपना पूरा कर सकेंगे। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 4 जनवरी को बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएफए और बीपीए में खेल दिव्यांग और कर्मचारी कोटे के तहत प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुबह 10 से 12 बजे के बीच चैथम लाइन स्थित प्रवेश भवन बुलाया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 55 छात्रों ने लिया एडमिशन, तो ये तीसरा पॉइंट है। तो प्रवेश प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र राय ने बताया कि ईवीवी में स्नातक पाठ्यक्रम के तहत लगभग पाठ्यक्रमों में गुरुवार को 55 छात्रों ने फीस जमा कर ऑनलाइन मोड में प्रवेश ले लिया है। बीए एलएलबी में 14 और एलएलबी में 38 और बीकॉम में 3 छात्रों ने अपना सीट सुनिश्चित करा, जबकि बीकॉम में 4 छात्रों ने शैक्षिक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए। तो इस न्यूज़ से आपको कुछ जानकारी मिला होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।